Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the 13th lecture in change management. Today we will continue with our case study that is about General Electric Imagination Breakthroughs, the EVO project. You must have already gone through the case study, or at least you must remember what we talked in lecture 12. We were talking about General Electric, one of the very biggest companies in the world, and we saw how after the change of a CEO, a very prominent manager in the world, or a person known for his managerial capabilities, Jack Welch, basically ruled or basically ran General Electric for 20 consecutive years. Or he was the chief executive of General Electric for 20 consecutive years. That's a long time. But anyway, he was one of the very successful General Electric, or one of the very successful business leaders in the world. For the 20 consecutive years, he posted an annual increase in the profit of General Electric for almost 20%, and he increased the shareholder wealth to $380 billion in 20 years. That was something very impressive, or that was something very extraordinary performance by a chief executive officer. लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने कहा कि 2001 में जब बाय 2001 आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक वेल्च जो है उसने रिटायरमेंट ले ली और अब जेफ एमलेट जो था ही टोक ओवर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक. अब कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी थी, वो जो स्टेबल एनवायरनमेंट थी जो कि जैक वेल्च ने एंजॉय की फॉर 20 इयर्स, और जिसकी वजह से कि उसने जनरल इलेक्ट्रिक को एक एफिशिएंट मशीन के तौर पे रन किया, या उसने जनरल इलेक्ट्रिक को एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक मशीन जो है उसमें कन्वर्ट कर चुका था. वो अब फर्दर पॉसिबल नहीं था कि एमलेट भी जो है वो उसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक को रन करता. अब कुछ चेंजेस की जरूरत थी कंपनी. अगर आप जरा गौर करें, या आपको अगर इफ़ यू रिमेंबर, तो आपको याद होगा हमने कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी थी, या ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल की मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुकी थी, और इट वाज अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी, देयर वाज नो प्रॉब्लम एज सच. बट जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव था वो ये समझता था कि अगर कंपनी को हमने फर्दर ग्रो करना है, जो हमने फर्दर कंपनी की जो है वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है ओवर द कमिंग इयर्स, तो अब जो वेल्च की स्ट्रेटजी है वो फर्दर चल नहीं सकती, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी है और इट्स नाउ 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी की एनवायरनमेंट जो है वो 20th सेंचुरी की एनवायरनमेंट से वेल्च एमलेट के मुताबिक वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. और अब ज़रूरत थी, अब टाइम आ गया था कि अगेन ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए, और इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज लाइक नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन, इस किस्म की जो साइंस से रिलेटेड फील्ड्स थी उनमें नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए. ठीक है, फिर आपको अगर अब याद हो तो हमने ये भी बात की थी कि वेल्च ने जो है उसका मार्केटिंग से बिल्कुल भी उसका कोई फोकस नहीं था. ठीक है, वेल्च जो था वो सेल्स पे तो ज़रूर उसका एम्फेसिस था, जो एक्विजिशंस के थ्रू कंपनी को ग्रो करता था, जो उसकी जो पॉलिसी थी कि वो क्लेवर डील्स मेक करता था, लेकिन एनीवे मार्केटिंग उसका कोई कंसर्न नहीं था. और उसने जो मार्केटिंग की बहुत सारी जो पोस्ट थी जनरल इलेक्ट्रिक में जो एग्जिस्ट करती थी उनको वैसे ही ऑल टुगेदर ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो समझता था कि मार्केटिंग की जनरल इलेक्ट्रिक को कोई ज़रूरत नहीं. लेकिन इसके बरक्स जो एमलेट है वो ये समझता था कि हमें वही प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जिसकी कि मार्केट में डिमांड हो, या जिसको कि कस्टमर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करें. इसलिए उसने अगेन बहुत सारी मार्केटिंग की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पोस्ट थी उनको ना सिर्फ बहाल किया, बल्कि एक बड़ी तादाद में मार्केटिंग और इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल्स को इंडक्ट किया जीई में. ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उसका एम्फेसिस क्या था, जब वो क्या चाहता था, वो चाहता ये था कि अगेन जीई जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करे. ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करने के लिए जीई के लिए ये ज़रूरी था कि वो
उसके पास एक मुनासिब तादाद में इंजीनियर्स की अवेलेबिलिटी हो जो कि R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, ठीक है। GE के पास इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि GE के लिए ये इंतहाई ज़रूरी था कि वो एक मुनासिब तादाद में उसके पास इंजीनियर्स अवेलेबल हों। क्यों अवेलेबल हों? ताकि R&D पे या ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस किया जा सके, एंड देन अगेन द थॉट के मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं उनका होना भी इंतहाई ज़रूरी है। यही वो लोग हैं जो कि GE को अब गाइड कर सकते हैं, जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही एनवायरनमेंट का बेहतर तौर पे एनालिसिस करके GE को फर्दर गाइड कर सकता है कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी के इन मार्केट जो है उनमें डिमांड की पैदा की जा सकती है, जब मार्केट जो है उनको अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। अब देखिए, हमने कहा था कि बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो कोई 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, ठीक है। लेकिन 2001 में जब एमलेट इसका 9th चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना, तो उसको प्रॉब्लम क्या थी कि दुनिया जो है वो डाउन टर्न की तरफ जा रही थी, या इकोनॉमिक डाउन टर्न या रिसेशन की तरफ जा रही थी। और उसी दौरान जब सितंबर में जैक जैक वेल्श रिटायर हुआ और एमलेट ने GE का चार्ज संभाला, तो इसी दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी हमला हो गया, ठीक है। और इसके नतीजे में अमेरिका जो है एक बड़ी जंग में फंस चुका था, ठीक है। या अमेरिका ने अब एक जो है नाम नहाद जंग शुरू कर रखी, जब उसने एक जंग शुरू कर दी, इसकी वजह से भी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और GE जो है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, ठीक है। और इसके साथ साथ एमलेट को जो दूसरी परेशानी थी वो ये थी कि उसके प्रेडिसेसर्स जो थे वो इंतहाई सक्सेसफुल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे। जैसे कि हमने बात की कि वेल्श जो था उसने 20 ईयर्स तक एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट किया था और अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ में 380 बिलियन US डॉलर्स का इजाफा किया था। अब अगर इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए तो एमलेट जो था वो अंडर प्रेशर था कि वो भी जैक वेल्श की तरह, जो जैक वेल्श से बेहतर कारकर्दगी दिखाए। ये चीज़ एमलेट के लिए इंतहाई प्रेशर का बाइस बन रही थी। लेकिन एमलेट ये बेहतर तौर पे जानता था कि ये अब मिलेनियम चेंज हो चुका है, सेंचुरी बदल चुकी है। अब प्रीवियस स्ट्रेटजी के थ्रू GE जो है वो फर्दर बिजनेस नहीं कर सकती। अब अगर उन्होंने ग्रो करना है तो ग्रो करने का एक ही तरीक़ेकार है कि GE ऑर्गेनिकली ग्रो करे, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करे, या नई सर्विसेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करे, या अपनी मार्केट्स को इंक्रीज करे, या इंटरनेशनली अपनी मार्केट्स को एक्सपैंड करे। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एमलेट ने एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की और उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ थी जो GE की, उनको डेवलप किया। ना सिर्फ उनको डेवलप किया बल्कि GE के बहुत सारे और ग्लोबल रिसर्च सेंटर्स एस्टेब्लिश किए। फॉर एग्जांपल उसने जिनेवा में एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया, उसके साथ साथ चाइना में एक नया ग्लोबल रिसर्च सेंटर जो है उसकी बुनियाद रखी। और इनका मकसद यही था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बेहतर तौर पे फोकस कीजिए किया जा सके। और उसकी स्ट्रैटेजी अब इस तरह भी चेंज हो चुकी थी कि उसका शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी नहीं थी, लॉन्ग टर्म पे फोकस था। और आप तो वैसे हम जानते ही हैं कि अगर हमें कोई नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करनी हो, जहाँ हमें साइंटिफिकली ब्रेक थ्रूज करनी हो, तो दैट टेक्स टाइम। वो 6 महीने में या साल में ब्रेक थ्रू करना मुश्किल है, इसके बरक्स इट टेक्स टाइम। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होती है उसकी, जो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और कैप्चर न्यू मार्केट्स। अब देखिए, इस मकसद को हासिल करने के लिए जहाँ उसने मार्केटर्स और इंजीनियर्स को रिक्रूट किया GE में, वहाँ उसने GE के लिए 5 असूल तय किए कि जिनके तहत GE के मैनेजर्स की ट्रेनिंग की जाएगी और GE की जो एकेडमी है उसमें इन
उसमें मैनेजर्स की ट्रेनिंग करते हुए इन पांच चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। वो पांच एलिमेंट्स क्या थे, जब वो पांच क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, वो थे कि एक्सटर्नल फोकस के मार्केटिंग पे फोकस किया जाएगा, जहाँ जी के जो मैनेजर्स हैं उनको अपनी मार्केट से वेल अवेयर होना चाहिए, जब उनको अपनी मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए। देन अगेन एन एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, कि वो क्लियरली सोचें कि उनके टारगेट्स या उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनमें इमेजिनेशन और करेज होनी चाहिए। ना सिर्फ वो इमेजिनेशन हो बल्कि करेज हो कि अपने ख्वाबों को अमली जामा पर ना सकें। इंक्लूसिवनेस एंड कनेक्शन विद पीपल इन डेप्थ एक्सपर्टीज, ठीक है। तो ये जो जीई की एकेडमी थी या एजुकेशन सेंटर जो था, उसको ये टास्क दिया गया कि इन बुनियादी असूलों को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग्स डेवलप की जाए, ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ एमलेट ने ये पर्सनली इंटरेस्ट लिया, अगर आपको याद हो तो एमलेट ने पर्सनली इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट का इजहार किया, जब उसने फोर्स किया कि जीई के जो हाँ डिविजन्स जो हैं या डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स जो हैं, वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम करें या नए प्रोजेक्ट्स डेवलप करें, और उसको उन्होंने उसने नाम दिया इमेजिनेशन ब्रेक थ्रूज का, इंजन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। और उसने कहा जी कि जितने भी जीई के जो डिविजन्स हैं वो प्लान्स बनाएं कि वो फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करना चाहते हैं, वो कौन से नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। और उनको वो प्लान ना सिर्फ बनाएं बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव को पेश करें, और चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सनली जो है वो इंटरेस्ट शो करेगा कि ये प्लान्स किस हद तक कामयाबी से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, या इन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किस तेज़ी से किया जा रहा है। अब हमने जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल ली, जहाँ हमने जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू इस प्रोसेस को, इस रिवाइटलाइजेशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश की, अगर आपको याद हो तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे, तो हमने कहा जब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मैच्योरिटी रीच कर जाती हैं, जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मैच्योरिटी पे पहुंच जाती हैं, तो वहाँ पे उनका टारगेट क्या होता है, वहाँ पे उनका टारगेट ये होता है कि दे डिसाइड कि ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइटलाइज किस तरह किया जा सकता है। अब हमने कहा था कि अगर आपको याद हो कि रिवाइटलाइजेशन के लिए एक तरीक़ेकार तो ये हो सकता है कि आप नई प्रोडक्ट्स या नई मार्केट्स तलाश करें, और दूसरा तरीक़ेकार जो आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन अपनाती हैं वो क्या है कि दे गो फॉर एक्विजिशंस और दे गो फॉर मर्जर्स और दे गो फॉर जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे एमलेट जो है उसने दोनों तरीकों से जब दोनों जो हैं रूट्स वो इस्तेमाल किए, उसने ना सिर्फ जॉइंट वेंचर्स किए, ना सिर्फ उसने अलाइंसेस की या एक्विजिशंस की, बल्कि उसने एक हद तक इन एक्विजिशंस के बाद उसने ये फैसला किया कि अब हमें ऑर्गेनिकली अपने बिजनेस को ग्रो करना है, हमें नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करनी है। यहाँ पे जो एक स्टोरी या एक पर्टिकुलर जो जीई का ट्रांसपोर्टेशन जो डिपार्टमेंट था, पर्टिकुलरली रेल के बिजनेस से रिलेटेड था, ना सिर्फ रेल के इंजन्स बनाता था बल्कि रेलवे से रिलेटेड सिग्नल्स और मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं उनमें भी डील करता था, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट था, इसने किस तरह नए इमेजिनेशन ब्रेक थ्रूज के थ्रू बिजनेस को एक्सपैंड करने में जनरल इलेक्ट्रिक की मदद की, इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम समझते हैं कि बिजनेसेस को रिवाइव किस तरह किया जा सकता है। जनरली जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो विजनरी चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रिवाइटलाइज कर सकते हैं, ना सिर्फ रिवाइटलाइज कर सकते हैं बल्कि ये एग्जांपल हमें ये भी समझने में हेल्पफुल होती है, जो हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि रिवाइटलाइजेशन के प्रोसेस से एसोसिएटेड रिस्क और एडवांटेजेस या रिस्क क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें सितंबर 2003 में एमलेट की दरख्वास्त पे जीई ट्रांसपोर्टेशन जो था उसने पांच पोटेंशियल आईबीज आइडेंटिफाई किए, और उनमें से जो एक आईबी था दैट वाज कॉल्ड एवोल्यूशन लोकोमोटिव, जो कि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट जो था वो डेवलप किया जा सकता किया डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहा था, लेकिन जनरली उस पर कोई इतना ख़ास काम नहीं हुआ था, लेकिन एमलेट के इनक्रेजमेंट के बाद जनरल इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने समझा कि इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है और इसको कमर्शलाइज किया जा सकता है। अब देखिए जीई जो है उसने नॉर्थ अमेरिकन रेल मार्केट्स को कोई 1918 से इस बिजनेस में था,
जहाँ 1918 से वो रेलवे प्रोडक्ट्स में था, जहाँ नॉर्थ अमेरिकन रेल मार्केट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो था वो सर्व कर रहा था। इस सिलसिले में उनका AC 4400 जो लोकोमोटिव था, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंजन ऑन द मार्केट। और जो रेलवे की इंडस्ट्री थी, वो रेलवे की इंडस्ट्री किस किस्म की थी, वो एक मैच्योर और कंजर्वेटिव इंडस्ट्री थी, और जो कि जनरली इनोवेशंस को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती थी। अपने एक रेयर मूव में 1995 में जीई ने एक नया लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस किया, जिसको AC 600 का नाम दिया गया, और उन्होंने कहा कि एक बहुत पावरफुल लोकोमोटिव है, इसकी हॉलिंग कैपेबिलिटी बड़ी इम्प्रेसिव होगी और ये बहुत एफिशिएंट होगा। लेकिन इसको मार्केट से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और AC 600 का जो इंजन था वो एक्चुअली फेल हो गया, जहाँ उसको कस्टमर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी इसी दौरान जो थी वो रेलवे की इंडस्ट्री में आ रही थी। उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज थी वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, और 1997 में EPA जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी थी, उसने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फोर्स किए, और पर्टिकुलरली जो इंजन एमिशंस थी उसने तमाम रेलवे कंपनीज को एक नए रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए कि अब इंजन एमिशंस इस हद से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और 2005 के बाद तमाम रेलवे कंपनीज को उन नए रूल्स के मुताबिक अपने इंजन्स को ऑपरेट करना था। अब ये जो सिचुएशन थी ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती थी, और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि जीई नए रेगुलेशंस के मुताबिक एक रेलवे इंजन या एक रेलवे लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस कर सकता था मार्केट में, जो कि ना सिर्फ फ्यूल कॉस्ट को सेव करे बल्कि अपने इन रिक्वायरमेंट्स को भी, जो नई EPA की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक भी हो। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स जो ग्लोबल रिसर्च सेंटर था उसको ये टास्क दिया गया, जो ग्लोबल रिसर्च सेंटर न्यूयॉर्क में था उसको ये टास्क दिया गया कि वो लोकोमोटिव को रीडिज़ाइन करे, या लोग एक नया लोकोमोटिव डिज़ाइन करे जो कि फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एफिशिएंट हो और मिशंस की रिक्वायरमेंट भी मीट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने एक नया कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से 3-5% सेविंग थी फ्यूल की, और 40% लेस एमिशंस करता था वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेलवे इंजन्स के मुकाबले में। और उसमें जो लोकोमोटिव कंट्रोल सिस्टम जो उसमें इम्प्लीमेंट किया गया वो ज़्यादा बेहतर तौर पे स्पीड और थ्रॉटल सेटिंग्स को मैनेज कर सकता था, और वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के किया गया कि ट्रेन की कंपोजिशन क्या होगी, टेरेन किस किस्म का होगा, ट्रैक कंडीशंस, ट्रेन डायनामिक्स और वेदर, और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक नया कंप्यूटराइज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ट्रेन में, ठीक है, जो कि उसके मुताबिक ट्रेन के थ्रॉटल और सेटिंग्स को चेंज कर सकता था। नई हदायत के मुताबिक जो EPA की जो नई हदायत थी उनके मुताबिक एक नया इंजन जो है वो डिज़ाइन किया गया, और उस इंजन की खूबियाँ क्या थी, उस इंजन की खूबियाँ ये थी कि वो 3-4% फ्यूल सेविंग्स दे रहा था, क्योंकि उसमें एक बेहतर तौर पे डिज़ाइन कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर उसमें एक कंप्यूटराइज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि रेलवे की ट्रैक की कंडीशंस, टेरेन किस किस्म का है, किस किस्म की ट्रेन है, किस किस्म का सामान या लगेज लेके जा रही है, उसके मुताबिक इंजन और थ्रॉटल की सेटिंग्स को चेंज कर सकता था, जिससे कि एफिशिएंटली ट्रेन को रन करना पॉसिबल था और एमिशंस भी कम होती थी। दो, ये कि एक रेडिकली डिज़ाइन इंजन था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ऑलरेडी 1995 का जो AC 6000 लोकोमोटिव था वो फेल हो चुका था, तो अब GE को प्रॉब्लम ये थी कि उसको स्पॉन्सर्स ढूंढना मुश्किल पेश आ रही थी, या उसको क्लाइंट्स या कस्टमर्स को ढूंढना उसमें मुश्किल पेश आ रही थी, ठीक है। और अगेन जो बहुत सारे कस्टमर्स थे उनकी डिमांड ये थी कि आप पेपर बेस्ड जो है लोकोमोटिव हमें ना दीजिए, जहाँ आप डिज़ाइन बेस्ड लोकोमोटिव बेचने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि कोई प्रोटोटाइप्स डेवलप करें ताकि हम उनको रन करके देख सकें कि क्या आप जो कह रहे हैं वाकई ही उस किस्म की सेविंग्स
पॉसिबल भी हैं या नहीं। तो जीई ने कुछ 50 के करीब इंजन्स जो हैं वो प्रोटोटाइप्स डेवलप की और डिफरेंट रेलवे कंपनीज को लीज पे दिए ताकि वो इंजन्स को यूज़ कर सकें और देख सकें कि इन इंजन्स को यूज़ करने से कोई फ़ायदा भी है पॉसिबल या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2004 तक जीई को कोई भी एक भी कंफर्म ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, ना किसी भी कंपनी ने नया इंजन जो है वो ऑर्डर नहीं किया, ठीक है। दिस वाज अ प्रॉब्लम। अब जो मार्केटिंग की टीम थी वो समझती थी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इस इंजन को सक्सेसफुली मार्केट किया जा सके। एट द मोस्ट अगर जी इसको मार्केट करने का सोचता भी है तो 30 से 50 इंजन जो हैं या लोकोमोटिव्स जो हैं वो बेचे जा सकेंगे और दिस विल क्रिएट अ लॉस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और जहाँ एक ऐसा नया बिजनेस होगा या एक ऐसा नया लोकोमोटिव होगा तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिए लॉस साबित होगा, ठीक है, जो उसके P&L या प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट में एक मजीद स्याह धब्बा साबित हो सकता है। एंड अगेन उन्होंने कहा जी कि जो बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंजन्स हैं उन्हीं में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, और वो कोई नया इंजन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। और क्या कस्टमर्स जो हैं वो नया इंजन जो है वो उसको जो है वो लेना पसंद भी करेंगे या नहीं। लेकिन देखें इसी टाइम पे कुछ और चेंजेस भी आ रही थी कि जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एंटिसिपेट की थी, ठीक है। अब वो चेंजेस क्या थी, वो चेंजेस ये थी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये समझता था कि क्योंकि EPA जो है वो नई गाइडलाइंस 2005 में इंट्रोड्यूस कर रहा है, दो इट्स अ रिस्क कि लोग इस नए इंजन को ख़रीदना पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन क्योंकि EPA जो है वो नई गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस कर रहा है इसलिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लोग इस इंजन को ख़रीदेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि फ्यूल कॉस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, 2000 में एक बैरल जो फ्यूल था वो $38 कॉस्ट करता था जो कि बढ़ के 2002 में $40 पर बैरल हो चुका था और बढ़ते बढ़ते वो 2004 में $50 पर बैरल तक पहुंच चुका था। तो अगर एक ऐसा इंजन जो 4-5% सेविंग इन फ्यूल जो है वो प्रॉमिस कर रहा था तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये ख्याल था, जब मार्केटिंग एनालिस्ट जो जीई के लिए काम कर रहे थे उनका ये ख्याल था कि कस्टमर से इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। देन अगेन यूएस में जो थी वो जो लोकोमोटिव सर्विसेज थी या ट्रेन रेलवे जो बिजनेस था वह भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था और उसके लिए जो इफेक्ट था वो चाइना इफेक्ट था। चाइना इफेक्ट क्या था कि चाइना जो था वो दुनिया का अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी और बहुत सारी यूएस कंपनीज भी जो थी उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ अब चाइना में एस्टेब्लिश कर चुके थे और चाइना के साथ ट्रेड वॉल्यूम बड़ी हद तक इंक्रीज कर चुका था, जिसकी वजह से चाइना से बहरी जहाज जो चलते थे जो कि सामान से या सामान से लदे हुए बहरी जहाज वो यूएस के वेस्ट कोस्ट पे लैंड करते थे, यूएस के वेस्ट कोस्ट पे डॉक करते थे, वहाँ से उन बहरी जहाज़ों से सामान उतारा जाता था और रेलवे कंपनीज की मदद से पूरे यूएस में वो सामान पहुँचाया या तरसील किया जाता था, जिसकी वजह से कि रेलवे बिजनेस में एक बड़ा इंक्रीज देखा गया था। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उसकी एंटिसिपेशन ये थी कि ये इंजन मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सकता है। इन सारी रिकमेंडेशंस को देखते हुए जो एमलेट था उसकी राय क्या थी, एमलेट की राय ये थी कि इस इंजन के लिए हम 10% प्रीमियम डिमांड कर सकते हैं। दो के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था ये सुनते उसके होश उड़ गए, उसने कहा कि अभी तक हमारे पास एक भी कंफर्म ऑर्डर नहीं है, हमें चाहिए कि इसको ज़रा कम कीमत पे बेचें, इसके बरक्स आप जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आप 10% प्रीमियम डिमांड करना चाहते हैं तो इसको ना मेक आर टास्क वेरी डिफिकल्ट। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मार्केटिंग का हेड था उसने मार्च में या अप्रैल में कैलिफोर्निया में मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग थे उनकी समिट बुलाई और उनको ये टास्क दिया कि बाय जून हमें अपनी सारी फैक्ट्री सेल करनी है, जहाँ हमें बहुत से इंजन जो हैं ये लोकोमोटिव जो हैं इनको वी शुड बी सेलिंग देम आउट।
दो कि सेल्स के से जो सेल्स से जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग थे वो इंतहाई परेशान थे कि ये सेल नामुमकिन है, या इस इंजन को जून तक सेल करना नामुमकिन है। बट एनीवे जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव जो था, जो एम्बलेट जो था, उसकी एंटिसिपेशन बिल्कुल ठीक थी। और बाय जून 2005 ऑलरेडी जो फैक्ट्री थी वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। जो फैक्ट्री की जो कैपेसिटी थी लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर करने की, फैक्ट्री जो थी उसको सोल्ड आउट कर चुकी थी। और बाय मिड 2006 देयर वाज अ बैकलॉग ऑफ 1500 लोकोमोटिव्स रिप्रेजेंटिंग 2 years ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। और बाय 2006 जो था 1500 इंजन्स का बैकलॉग क्रिएट हो चुका था, जो कि जीई को जो है वो प्रोड्यूस करने थे या मैन्युफैक्चर करने थे अपने क्लाइंट्स के लिए या कस्टमर्स के लिए। और फैक्ट्री जो थी दिन रात काम कर रही थी उन इंजन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने चेंजेस लेके आया था उसकी वजह से दे वर एबल टू रिवाइव द ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। या ट्रांसपोर्टेशन जो जी के बिजनेसेस को रिवाइव करने में चीफ एग्जीक्यूटिव की स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब साबित हुई। उसने मार्केटिंग के लिए एक्सपर्ट्स इंडक्ट किए जीई में, और फिर उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंजीनियर्स की भी इंडक्शन की, और ऑर्गेनिक ग्रोथ को तो जो था वो उसको पे फोकस किया, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ को अपना मकसद बनाया। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये देख सकते हैं कि जीई के चीफ एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेटजी इंतहाई कामयाब साबित हुई, और ईवो जो था दैट बिकेम अ सक्सेस इन द मार्केट। अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ईवो ईवो से बहुत सारे और भी ईवो की बेबीज भी प्रोड्यूस हुई, या ईवो के और बहुत सारे मॉडल्स डिज़ाइन किए गए, ठीक है, और बहुत सारे और जो थे वो आईबीज वजूद में आए। अब देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस था उन्होंने कहा जी कि अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड के मुताबिक भी जो है वो लोकोमोटिव डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देन जो एक फेनोमेन था उसको उन्होंने नाम दिया बर्थ ऑफ ईवो बेबी द ग्लोबल मॉड्यूलर लोकोमोटिव। उसकी मेन वजह क्या थी कि एक्नॉलेजिंग दैट द स्लो ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय जीई वर अनलाइकली टू बी द मेजर सोर्स ऑफ न्यू बिजनेस, सो द ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस थॉट इट्स टाइम टू गो ग्लोबल, जो हमें इंटरनेशनली भी ये अपने इंजन्स बेच सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि इंटरनेशनली रेलवे गॉड जो थे वो अपनी विड्थ में उनमें डिफरेंसेस थे, वेट लिमिट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, और क्लियरेंस की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कंट्री बाय कंट्री डिफरेंट थी, इसलिए एक स्टैंडर्डाइज ग्लोबल लोकोमोटिव नहीं डिज़ाइन किया जा सकता था। फर्दर उनको वहाँ पे ही वही कंट्रीज उनको सूट करती थी जो कि एक बड़े पैमाने पे ऑर्डर पेश कर सकती थी, जो ऑर्डर डिमांड कर सकती थी। लेट से कि 100-200 इंजन्स अगर किसी मुल्क में बेचे जा सकते थे, तो ऐसी ही इंटरनेशनल एक्सटेंशन या मार्केट की इंटरनेशनल एक्सटेंशन जीई को सूट करती थी। अगर कोई मुल्क 10 या 15 इंजन्स डिमांड करता था तो वो जीई को किसी तरह भी सूटेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि 10-15 इंजन्स के लिए वो उस मुल्क की डिमांड्स के मुताबिक इंजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। दैट वुड बी टू कॉस्टली फॉर जीई टू डू दैट, ठीक है। एंड देन द सेकेंड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इट वॉज नाउ अ पोलिटिकल प्रोसेस। इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को आपने इम्प्रेस करना था, या इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को आपने राजी करना था कि वो जीई का इंजन खरीदें। इन सारे कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो जीई का ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर था, जहाँ वाइस प्रेसिडेंट था, उसने अपनी एक टीम डेवलप की, और उस टीम को ये प्रोजेक्ट दिया कि वो ग्लोबल मॉड्यूलर लोकोमोटिव जो जीएमएल पे ना सिर्फ उसको डिज़ाइन करें, उसके स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स बनाएं डिफरेंट नेशनल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। और उन्हें जो उनके जहन में जो था वो क्या था कि एक लेगो लाइक कंस्ट्रक्शन अप्रोच लेके चलें, ताकि जैसे लेगो में एक पार्ट आप निकाल के उसको रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से, कुछ किस किस्म का कॉन्सेप्ट लेके कि आसानी से इंजन्स डिफरेंट नेशनल डिमांड्स के मुताबिक डिज़ाइन किए जा सकें। देखें ये डिज़ाइन लेके, ये आइडिया लेके
वो एमलेट के पास गए, जहाँ एमलेट को पास गए इस आइडिया को डिस्कस करने के लिए। एमलेट जो था वो इस आइडिया से बड़ा इम्प्रेस हुआ और उसने इस टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसने कहा जी कि GML जो है, या ग्लोबल मॉड्यूलर लोकोमोटिव जो है, दिस इज़ नाउ एन इम्प्रूव्ड अप्रूव्ड इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू, इस पर आप काम कीजिए, ठीक है। और उसने इसके लिए जो है एक एक्सपीरियंस्ड जो मैनेजर था जिसका नाम गोकन बेहन था, जो कि मार्केटिंग लीडर था फॉर द लोकोमोटिव PNL, उसको अपॉइंट किया इस काम के लिए। और उसने कहा कि जी कि आप जो हैं देखिए कि इंटरनेशनली हमारे इस बिजनेस को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जो डिनेंट जो था वो एक इंतहाई एक्सपीरियंस आदमी था, उसका ना सिर्फ GE में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था काम का, GE को वो बेहतर तौर पे जानता था, बल्कि इंटरनेशनली एशिया और यूरोप में भी वो काम कर चुका था, GE की सिग्नलिंग बिजनेस को आसानी से रन कर चुका था। तो जो टॉप मैनेजर थे वो समझते थे कि ये इंतहाई सुटेबल आदमी है, क्योंकि ना सिर्फ ये GE को जानता है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स को भी जानता है, तो ये इस नए प्रोजेक्ट के लिए एक सुटेबल मार्केटिंग लीडर साबित हो सकता है, ठीक है। बिकॉज बेहन हैड अगली वर्क अर्लियर वर्क ऑन लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट दैट GE हैड वन टू ओवरहॉल एंड रीबिल्ड 400 लोकोमोटिव फॉर द स्टेट ओन रेलवे इन कजाकिस्तान, ही डिसाइडेड दिस वॉज अ परफेक्ट प्लेस टू एक्सप्लोर GML पोटेंशियल। सून ही एंड द सेल्स टीम वर टॉकिंग टू द गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट एंड अबाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर GE टू हेल्प दम एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज द रेलवे सिस्टम टू मीट द नीड्स ऑफ कजाकिस्तान फास्ट ग्रोइंग चाइना ट्रेड। द डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड कस्टमर नीड्स वॉज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बिकॉज दिस एनालिसिस वॉज अ न्यू एलिमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग फॉरवर्ड मार्केट गेनिंग एक्सेप्टेंस वॉज नॉट ऑलवेज ईजी। अब देखिए, नई मार्केट्स जो ढूंढना था वो इतना आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि कजाकिस्तान की मार्केट में ऑलरेडी GE जो थी वो इन थी, और उसने कोई जो स्टेट रेलवे ऑफ कजाकिस्तान थी उसके 400 इंजन्स को ओवरहॉल किया था, वो समझते थे कि दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग मार्केट, जहाँ जिसमें के फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जा सकता है और यहाँ पे कोशिश की जा सकती है कि GML के लिए मार्केट ढूंढी जाए। और उसके एक बड़ी रीज़न क्या थी कि कजाकिस्तान और चाइना की ट्रेड भी दिन ब दिन बढ़ रही थी और उनको रेलवे की ज़रूरत थी जो कि चाइना से सामान कजाकिस्तान की मार्केट्स में पहुँचा सके। अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने जो एक प्रोसेस बनाया था जिसके थ्रू, अगर आपको याद हो, सी कॉर की हमने बात की थी, जिसके थ्रू कि जो टीम्स जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव को मिलती थी वो अपनी तैयारी करती थी कि चीफ एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस को किस तरह आंसर करना है, वो प्रोसेस जो था वो बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स ढूंढने में भी, इंटरनेशनल मार्केट्स को एनालाइज करने में भी, और इंटरनेशनल मार्केट्स की IVs क्रिएट करने के लिए भी। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट मैनेजमेंट सेल्स एंड इंजीनियरिंग वर वेल एस्टेब्लिश, सो लॉट ऑफ मार्केटिंग टीम मेम्बर्स हैड डिफिकल्टी ब्रेकिंग इन टू दैट प्रोसेस एंड टेकिंग ऑन द रोल दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर। अब देखिए, जो मैनेजमेंट सेल्स और जो इंजीनियरिंग थी वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स थे GE में, उनकी तो आपस में बड़ी अच्छी तरह कोहेशंस, जहाँ आप वर्किंग रिलेशनशिप्स थी वेल एस्टेब्लिश थी, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को, जब मार्केटिंग के लोगों को उनमें पेनिट्रेट करने के लिए इंतहाई मुश्किल का सामना था, क्योंकि उससे हट के भी वो लोग, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे उनको ये आइडियाज अच्छा नहीं लगा था कि हेड ऑफिस से कोई आए और उनको बताए कि अब तुम लोगों को काम किस तरह करना है। तो यहाँ पे भी जो मार्केटिंग मैनेजर था जो कि एक्सपीरियंस था, GE को जानता था, उसने अपनी टेक्निक चेंज की। उसने कहा जी कि मैं तुम्हें ये कहने नहीं आया कि तुम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करो, बल्कि मैं तो तुम्हें हेल्प आउट करने आया हूँ कि तुम नए प्रोडक्ट्स किस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो कि तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस को आइंदा मजीद बढ़ाएं, जब प्रॉफिट एंड लॉस जब प्रॉफिट्स को आइंदा मजीद इंक्रीज करें। अब देखें, यहाँ पे उनको ना सिर्फ कजाकिस्तान से ऑर्डर्स मिले, बल्कि दे वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग 300 GM एंड लोकोमोटिव ऑर्डर फ्रॉम द चाइनीज रेलवे। ना सिर्फ कजाकिस्तान की मार्केट को वो आसानी से उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया, बल्कि चाइनीज रेलवे से भी कोई 300 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हो साबित हुए वो लोग, ठीक है। और
कजाकिस्तान के सिलसिले में उन्होंने क्या एक पेशकश की उनकी गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा जी कि आफ्टर सम इनिशियल लोकोमोटिव जो कि आपको डिलीवर किया जाएंगे 40 से 50, उसके बाद हम असेंबली प्लांट जो है वो कजाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है, इस जनरल इस लोकोमोटिव के लिए। और कजाकिस्तान को हम जो CIS स्टेट्स जितनी भी हैं, जो भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स और हैं, उनको हम कजाकिस्तान को एज अ बेस यूज़ करेंगे और वहाँ से वो लोकोमोटिव दूसरी उस इर्द गिर्द की मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी किया जाएंगे। ये जो थी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान जो था उस वक्त, उसको ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और उसने कहा ये कि इस तजवीज़ की वजह से कजाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, और ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं बल्कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट हमारे अंदर आई है और हम वही लेटेस्ट इंजन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि शायद US में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। और GE को फ़ायदा क्या हुआ कि GE आसानी से एक बहुत बड़ी मार्केट में उसको पेनिट्रेट करने का मौका मिला, ठीक है। देखिए अराउंड जो था 2006 में एक और जो GE का सीनियर एम्प्लॉय था पैरी कॉमेट, वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बना GE ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सरप्राइजिंगली ऑल्दो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैकग्राउंड बिल्ट अपॉन थ्रू इंटरनेशनल कैरियर, ही डिड नॉट कम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग बैकग्राउंड। मोस्ट रिसेंटली वो उसको अपॉइंट किया गया और उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसका एक्सपीरियंस ये था कि वो GE का एक अच्छा कमर्शियल मैनेजर था और GE का उसने बिजनेसेस एशिया और यूरोप में रन किए हुए थे, एंड ही वाज थॉट टू बी अ सूटेबल पर्सन टू बिकम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फॉर GE ट्रांसपोर्टेशन। और उसने जो उसकी फ़िलासफ़ी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, उसकी फ़िलासफ़ी क्या थी कि उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर उनको यकीन दिलाया कि वो उनको हेल्प करने के लिए आया, कोई उनको डिमांड्स प्लेस करने के लिए नहीं आया, बल्कि ही इज़ देयर टू हेल्प देम आउट टू इंक्रीज देयर बिजनेस। अब देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता GE का जो है वो बिज़नेस ग्रो कर रहा था। इन अप्रैल 2006 एज मेंबर्स ऑफ द लोकोमोटिव मैनेजमेंट टीम सेंट डाउन टू प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन टू एमलेट एट ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ प्लेबुक सेशन 1 रिव्यू इन जून। सम ऑफ द इनिशियल आइडियाज बिहाइंड द GML कॉन्सेप्ट वर बिगनिंग टू सीम क्वेश्चनेबल। देखिए अप्रैल 2006 में एज मेंबर्स ऑफ द लोकोमोटिव मैनेजमेंट टीम जो है, जब वो अब अगेन एमलेट को मिले अपने GML जो उनका लोकोमोटिव IB था उसको डिस्कस करने के लिए, तो उस पर बहुत सारे डाउट्स रेज हो चुके थे उस वक्त तक। वो जो उन्होंने एक आइडिया दिया था कि लेगो लाइक कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री जो है वो डिज़ाइन की जा सकती है, दैट प्रूव टू बी क्वेश्चनेबल थिंग टू बी डन। उन्होंने कहा जी कि यही जो इंजीनियरिंग के जो लोग थे, उन्होंने कहा जी दिस विल बी अ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट। लेगो लाइक कंस्ट्रक्शन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट लुक्स ईजी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक और शख्स जो कि ब्रेड बिगोल के नाम से जाना जाता था और जो कि ऑपरेशंस जनरल मैनेजर था, उसको उसने एक टाइगर टीम कमीशन की कंप्राइजिंग ऑफ 6 पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, और उनको 2 हफ्ते दिए कि वो बताएं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है। अब ये जो टीम थी ऑलरेडी बेस्ड अपॉन जो डाटा जो कि गोखन बेहन ने डेवलप किया था, कस्टमर एनालिसिस किया था और मार्केटिंग एनालिसिस किया था, उसको उस डाटा को उन्होंने 2 हफ्ते तक उस पर काम किया और उन्होंने ये आइडिया दिया कि क्या किया जा सकता है कि GML जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा जी दैट इज़ टू कॉम्प्लेक्स एंड टू एक्सपेंसिव टू सर्व द मार्केट एफिशिएंटली। इंस्टेड दे प्रपोज अ GML मॉडुलर अप्रोच बी रीप्लेस बाय प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट दैट डिफाइन 5 डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लोकोमोटिव्स विच टुगेदर वुड सर्व 85% to 90% ऑफ ग्लोबल मार्केट डिमांड। मैंने कहा जी कि लेगो लाइक कंस्ट्रक्शन के बजाय आप 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डिवेलप करें और 5 डिफरेंट वेरियंट्स डिवेलप करें लोकोमोटिव्स के या ईवो फैमिली के, और हमारा ख्याल है कि वो टुगेदर जो 5 डिफरेंट वेरियंट्स इंजन के डिवेलप किए जाएंगे वो 85% to 90% ऑफ द ग्लोबल मार्केट को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 of the 5 platforms are to be developed based on EVO engine, while 2 other family members would use other engines still under development. The Tiger team recommendations were presented at Transportation Growth Council in May, where Dinan backed their recommendation by committing to invest in the development engineering required for global locomotive families.
देखिए वो जीएमएल से कॉन्सेप्ट चेंज होके ग्लोबल लोकोमोटिव फैमिलीज में कन्वर्ट हो गया, इट बिकेम GLF। और जो इंजीनियरिंग के नई डिमांड्स को जो थी टॉप मैनेजमेंट उसने उसको बैकअप किया और कहा जी जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इसमें की जा सकती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो सून वैलिडेटेड व्हेन सितंबर 2006 कजाकिस्तान रेलवे, जिससे ऑलरेडी बातचीत चल रही थी, उसने 310 इंजन्स का ऑर्डर प्लेस किया, और कोई उन्हें इजिप्ट से भी उसी दौरान 40 इंजन्स का ऑर्डर मिला। इजिप्ट की जो गवर्नमेंट थी उसने भी कोई 40 इंजन्स का जो थी वो डिमांड की, और उसके साथ साथ उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनीज की, एक ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी थी उसकी तरफ से भी कुछ 400 इंजन्स की डिमांड प्लेस की गई। अब वो समझता था कि जो उसकी रीज़न थी बेसिकली, वो क्या समझते हैं कि दिस इज़ द चाइना इफेक्ट, द बिग ड्राइवर वाज व्हाट वी कॉल द चाइना इफेक्ट। आर एनालिसिस शोड हाउ इंक्रीज ट्रेड विद चाइना इज ड्राइविंग बिग सर्ज इन डिमांड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अराउंड द वर्ल्ड। GDP इज ग्रोइंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हैपनिंग, एंड चाइना इफेक्ट इज स्प्रेडिंग टू अदर कंट्रीज, एंड वी वर राइट देयर व्हेन इट हैपेंड विद गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स एंड द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी टू मीट देम। सो वी वर एबल टू रिस्पॉन्ड टू द परफेक्ट स्टॉर्म विद अ ग्रेट प्रोडक्ट, द राइट कमर्शियल स्ट्रैटेजी एंड परफेक्ट मार्केट टाइमिंग। लाइक द चाइना ऑर्डर 9 months अर्लियर, द बिग कजाकिस्तान ऑर्डर केम विद अ कंडीशन। वो कंडीशन क्या थी कि कुछ इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग के बाद, कुछ इनिशियल इंजन्स या लोकोमोटिव्स के बाद, कुछ वो क्या थे कि फर्स्ट 10 लोकोमोटिव्स जो हैं वो जी जो जब प्रोवाइड कर चुकेगा तो उसके बाद असेंबली उनकी जो है वो कजाकिस्तान में ही की जाएगी, एंड दैट कुड प्रूव टू बी अ बेस टू सर्व 11 अदर फॉर्मर सोवियत स्टेट्स। ठीक है, और अब न्यू रीजनल स्ट्रैटेजी क्या थी, ऐसी लोकोमोटिव कॉन्ट्रैक्ट निगोसिएशंस वर बीइंग फाइनलाइज, दे प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मार्केट एंट्री टू अदर पार्ट्स ऑफ GE ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। जहाँ GE को लोकोमोटिव प्रोवाइड करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी यूरोशिया में, जो CIS में, जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो रशियन स्टेट थी, वहाँ उनके साथ साथ जो GE के अदर बिजनेसेस थे वो भी उससे फ़ायदा उठा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल GE का सिग्नलिंग का बिजनेस, जहाँ GE का जो है वो रेलवे मैनेजमेंट का जो बिजनेस था, उनसे उनको भी इन डील से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, जब उनको भी इस डील से फ़ायदा हो रहा था। एज इनिशिएटिव सच एज दिस बिकेम द नॉर्म इन मार्केट्स वेयर लोकोमोटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैड बीन साइंड, द मैनेजमेंट टीम ऑफ लोकोमोटिव PNL बिगिन टू एक्सप्लोर वेदर एन इंटीग्रेटेड रीजनल अप्रोच टू ग्रोथ माइट बी मोर इफेक्टिव बिजनेस मॉडल देन द प्रोडक्ट बेस्ड ग्लोबल फैमिलीज अप्रोच। It was an approach that Comet believed had great value. As he grew the transportation marketing staff from 14 to 32, he began moving a significant number of them out of Erie and to field where they could be closer to customer. As part of new geographic based capability, he deployed 7 regional marketing strategies, each of whom built his own local capabilities to support transportation regional general managers. अब देखिए इसके साथ साथ वो एक और चेंज क्या लेके आ रहे थे कि हर रीजन को, जिसको लाइक फॉर एग्जांपल चाइना, कजाकिस्तान, इंडिया, उनके लिए एक डिफरेंट उस रीजन के मुताबिक, जब उस रीजन से मुताबिकत रखते हुए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने इंट्रोड्यूस की, और जो GE के मार्केटिंग ऑफिसर्स थे उनको उन रीजन्स में पोस्ट किया ताकि वो कस्टमर से करीब रह के बेहतर तौर पर काम सर अंजाम दे सकें। In December 2006, when the message came down that the Commercial Council would like to see business submitting more IB proposals for emerging countries, it gave support to growing notion that there was a need to reconfigure the global locomotive IB project once again. One proposal was to morph the major thrust of GF project into 3 integrated regional IBs, one for China, one for Russia CIS, and one for India. Each responsible for driving growth by developing its market for an integrated package of GE locomotives, signals and services etc. अब एक नई चेंज क्या आई, उन्होंने कहा जी कि चाइना, रशिया, CIS और इंडिया को 3 डिफरेंट मार्केट्स में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक नई चेंज क्या थी कि चाइना, इंडिया और रशिया को
थ्री डिफरेंट मार्केट्स में डिवाइड किया जा सकता है और हर मार्केट की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है और इंटीग्रेटेड बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं कि ना सिर्फ लोकोमोटिव्स प्रोवाइड किए जाएं बल्कि और भी जो सिग्नलिंग की सर्विसेज हैं या और जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक है, देखिए इसी टाइम पे और एक और जो आईबी था इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू जो था वो सामने आया और उन्होंने कहा जी कि एक हाइब्रिड लोकोमोटिव भी डिज़ाइन किया जा सकता है और हाइब्रिड लोकोमोटिव जो है वो इन बिजनेसेस को फर्दर कॉस्ट सेविंग में मदद देगा। और हाइब्रिड लोकोमोटिव का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो लोकोमोटिव डीजल प्लस इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा या इलेक्ट्रिक पावर पे चलेगा। लेकिन हाइब्रिड क्यों था कि देखिए एक कॉन्सेप्ट उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि रेलवे इंजन जो हैं जब वो एक स्पीड से चलते हैं तो जब भी वो ब्रेक करते हैं जब भी वो ब्रेक अप्लाई की जाती है तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो मैंने कहा जी कुछ इस किस्म की एफिशिएंट बैटरीज अगर डिज़ाइन की जा सकें और वो बैटरीज प्लेस की जा सकें उस इंजन में जो कि उस ब्रेकिंग के प्रोसेस से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको कैप्चर कर सकें तो फर्दर जब वो एनर्जी कैप्चर हो जाए तो एक ना सिर्फ डीजल को रिप्लेस कर सकती है ठीक है बल्कि ज़्यादा एफिशिएंट तौर पे इंजन चल सकता है कि उस एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक पावर पे भी इंजन चले और डीजल पे भी चले। इस तरह मज़ीद फर्दर कॉस्ट सेविंग्स होंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। देखिए क्या समझने की क्या बात है कि एक नया आईबी जो कि इंटरेस्टिंग आईबी उन्होंने पेश किया एक नई इनोवेटिव इनोवेशन वो क्या थी कि दे डिसाइडेड कि हाइब्रिड इंजन्स जो हैं डिज़ाइन किए जा सकते हैं। हाइब्रिड इंजन्स का कॉन्सेप्ट क्या था? हाइब्रिड इंजन्स का कॉन्सेप्ट ये था कि जब रेलवे इंजन्स जो हैं वो ब्रेक सप्लाई करते हैं लेट्स से कि वो किसी शहर के पास से गुजरते हैं या रेलवे स्टेशन के पास आते हैं तो वो ब्रेक सप्लाई करते हैं तो कहते हैं कि इस प्रोसेस में लॉट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है। अगर ऐसी एफिशिएंट बैटरीज जो हैं अगर ऐसी एफिशिएंट बैटरीज डिज़ाइन की जा सकें जो कि इस एनर्जी को कैप्चर कर लें और फिर जब वो एनर्जी कैप्चर हो जाए तो बाद में उसी एनर्जी को रेलवे लोकोमोटिव जो है वो यूज़ कर सकता है। इस तरह मज़ीद फर्दर डीजल की सेविंग हो सकती है या फ्यूल की सेविंग हो सकती है। ठीक है, अब ये जो आईबी था ये भी एमलेट जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उसको ये आइडिया पसंद आया और उसने कहा जी इन बैटरीज पर काम किया जाए या इस इंजन पर या हाइब्रिड लोकोमोटिव पर काम फर्दर किया जाए तेज़ी से काम किया जाए। ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में और वो प्रॉब्लम्स क्या थी कि ऐसी एफिशिएंट बैटरीज डिज़ाइन करना मुश्किल था। ठीक है, ऐसी एफिशिएंट बैटरीज जो थी जो कि एफिशिएंटली एनर्जी को कैप्चर कर लें और स्टोर कर लें और फिर ज़रूरत पड़ने पे वो इंजन जो लोकोमोटिव जो है उसको दोबारा से उस एनर्जी को यूज़ भी करें तो दैट प्रूव टू बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, और क्या हुआ उसके जब दोबारा ट्रांसपोर्टेशन की मंथली ग्रोथ काउंसिल जो थी जो प्रिपेयर कर रही थी कि दिसंबर में आईबी डिस्कस होगा एमलेट के साथ उसने ये चीज़ें जो थी उसने उनको जो है उनको एनालाइज किया बी गोल जो था आर्ग्यूड दैट विद ऑल दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन अदर प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशंस एंड जियोग्राफिक एक्सपेंशंस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड प्रोजेक्ट वॉज वेरी हाई। Specifically, he explained that because of the limited finances and engineering resources, particularly the latter, committing to this option would mean postponing the rollout of some of the promising new international regional platforms for EVO. अब देखिए वहाँ के जो senior manager जो B goal था, उसने कहा जी कि तो ये idea तो बहुत अच्छा है, ठीक है कि hybrid engines develop किए जाएं। लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो हैं या टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और उनको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की ज़रूरत है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये करना बहुत मुश्किल साबित होगा। ठीक है, और इसकी वजह से अगर हम इस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें अब देखिए यहाँ पर रिस्क को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हमने कहा जी कि इनोवेशन जो है वो करना इतना आसान नहीं होता। कुछ इंजन्स का जैसे हमने पहले कहा था जी कि एसी 6600 के फेलियर की वजह से जीई को ये शक था कि नया जो ईवो मॉडल है वो कामयाबी से मार्केट किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, रिस्क था। लेकिन उन्होंने मार्केट एनालिसिस किया, मार्केट एनालिसिस जो था वो ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था कि नए इंजन का टाइम आ गया है, नया इंजन आसानी से मार्केट किया जा सकता है
और चीफ एग्जीक्यूटिव विजनरी चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसने कहा जी ठीक है 10% प्रीमियम पे बेचा जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी अगेन देर इज़ अ रिस्क, अगर वो हाइब्रिड इंजन पे ज़्यादा एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, ज़्यादा फाइनेंसेस एलोकेट करते हैं, तो दूसरे जो बिजनेस जो के कामयाबी से डेवलप किए जा सकते हैं, या ईवो के और जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन की जा सकती है और प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जा सकते हैं, वो बिजनेसेस सफ़र कर सकते हैं। और ये बी गोल का एनालिसिस था। ऑन द अदर हैंड कॉमेट रिमाइंडेड द टीम द लॉन्ग टर्म ट्रेंड अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड टुवर्ड्स अल्टरनेटिव एनर्जी मेंट दैट एवेंचुअली जीई वुड हैव टू डेवलप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। लेकिन जो कॉमेट जो था, जो जनरल मैनेजर था, उसने टीम को ये रियलाइज कराया कि देखिए कि अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पर इन्हिसार करना मुश्किल साबित हो रहा है, और जो ट्रेंड है वो क्या है कि अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को ढूंढा जाए। ठीक है, तो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को अगर ढूंढना है तो हमें आज नहीं तो कल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑन द लास्ट पॉइंट ही एक्सप्लेन दैट व्हाइल हिज मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैड एलोकेटेड सम पोटेंशियल गवर्नमेंट फंडिंग फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट दे हैड नॉट अप्लाइड फॉर फंड्स सिंस दिस वॉज नॉट जी ई नॉर्मल अप्रोच टू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चनिंग हाउ अ कमिट एक्नॉलेज दैट इवन विद सच एडिशनल फंड्स Investing in the hybrid would mean diverting resources from other growth prospects and seem more immediately promising. As Dinan summarized the discussion, he posed three alternative scenarios that could be presented at December IB review. इन सारी चीज़ों को देखिए, उसने जो कॉमेंट था उसने कहा जी इसके लिए गवर्नमेंट भी, क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, द गवर्नमेंट से भी फंडिंग की रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन अगेन गवर्नमेंट की फंडिंग होने के बावजूद हमें अपने बहुत सारे रिसोर्सेज भी कमिट करने पड़ेंगे एंड दैट क्रिएट्स अ रिस्क। ठीक है, कि आया कामयाबी से हम ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए थ्री अल्टरनेटिव्स डेवलप किए गए। वो थ्री अल्टरनेटिव्स क्या थे? द फर्स्ट ऑप्शन वुड बी टू एक्सप्लेन व्हाई द प्रोजेक्ट एज करंटली डिफाइंड अपीयर टू हैव वेरी लिमिटेड टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म कमर्शियल वायबिलिटी। The business would commit to it as an IB and continue to explore alternative ways to make it successful. पहला ऑप्शन क्या था कि उसने कहा जी कि जिस तरह के प्रोजेक्ट अभी चल रहा है दो, कि इसकी वायबिलिटी तो इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन बिजनेस इसको कमिट करेगा एंड वी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर कि इसको कैसे सक्सेसफुल किया जा सकता है। The second option would be to acknowledge the hybrid long-term potential but suggest that it may be placed on hold as IB perhaps by transferring primary responsibility to the Global Research Center to work on the battery technology in collaboration with various GE businesses including transportation that had interest in its development. दूसरा ऑप्शन क्या था कि अभी फिलहाल इस पर काम रोका जाए और जो ग्लोबल रिसर्च सेंटर्स हैं इनको ये टास्क दिया जाए कि वो बेहतर बैटरीज डिज़ाइन करें, जब वो बेहतर जो बैटरीज हैं, जब बैटरीज की इम्प्रूवमेंट पे काम करें, और जब तक के बैटरीज की इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाती या जब तक के बेहतर बैटरीज डिज़ाइन नहीं की जा सकती, इस प्रोजेक्ट को होल्ड किया जा सकता है। तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? द फाइनल अल्टरनेटिव वुड बी टू रिकमेंड दैट द कंपनी एक्नॉलेज द फैक्ट दैट आफ्टर 3 years ऑफ हार्ड वर्क ऑन हाइब्रिड Neither the technology development nor the market acceptance of the concept has indicated that it could be a viable commercial proposition in a foreseeable future and therefore it could be dropped as an IB. Okay, teesri option kya thi ki altogether is project pe kaam khatam kar diya jaye kyunki na to koi market aisi viable hai aur na hi abhi filhal aisi technology available hai ki is pe invest karne ka koi further fayda nahi hai. As the management team talked through these three options, they tried to balance the best interests of the business. What Amlet was likely to believe was the best interest of the company. With 83 new IBs now improved and 35 already launched and generating more than 2 billion in additional revenues, the CEO felt that the process of generating organic growth was established. But this didn't mean that he was becoming less involved. He personally tracked every IB and focused even more intently on those that had caught his attention, like the hybrid locomotive. But in true GE fashion, he also held each business responsible for his current performance.
देखिए, जब इस पे बहस हो रही थी कि क्या किया जाए, तीन अल्टरनेटिव्स में से कौन सा अल्टरनेटिव चीज़ किया जाए, तो एम्बलेट को ये सेटिस्फेक्शन ज़रूर थी कि इसने जीई को रिवाइव कर दिया है और जीई को उस पाथ पे डाल दिया है जो कि उसका मकसद था। और मकसद क्या था कि वो चाहता था कि जीई जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो करे, या जीई जो है वो इनोवेशंस करे, या जीई जो है नए प्रोडक्ट्स पे काम करे। और वो कहता है कि जी बाय दिस टाइम मोर देन 83 न्यू आई बीज वर अप्रूव्ड और 33 पे ऑलरेडी उनके लिए फंड्स भी जो थे वो जनरेट हो चुके थे, वो उनको लॉन्च भी किया जा सकता था। और $2 बिलियन से ज़्यादा का एडिशनल रेवेन्यूज क्रिएट कर रहे थे और CEO वॉज वेरी हैप्पी कि उसकी स्ट्रैटेजी अब कामयाब हो गई है फाइनली। ठीक है, अब देखिए इन चीज़ को, इस केस स्टडी को हमने देखा और हमने कहा बेसिक मकसद क्या था कि हम ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल और उससे रिलेटेड चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशंस लेके आती हैं उनको स्टडी कर रहे थे। और हमारा मकसद ये था कि हम इस एग्जांपल की मदद से देखें और समझने की कोशिश करें कि चेंजेस कैसे होती हैं। ठीक है, आपने देखा कि कैसे उसने अपनी चेंजेस लेके आया स्ट्रक्चर में, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग किया और अपने मैनेजर्स को इनक्रेज किया कि दे शुड कम अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू आइडियाज़ और विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्या था कि जी किस स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल की, इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि मैच्योरिटी की स्टेज में था और रिवाइवल की अब ज़रूरत थी कि फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेसेस को मज़ीद 21st सेंचुरी में कैरी किया जाए। अब इस चीज़ की अच्छी ज़रूरत थी कि न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किया जाए, रिवाइटलाइज किया जाए कंपनी को। ठीक है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ जो था वही एम्बलेट का मेजर गोल था। एम्बलेट यही चाहता था कि ऑर्गेनिकली कंपनी को ग्रो कराया जाए, लेकिन इसमें रिस्क तो था। और रिस्क क्या था? रिस्क यही था कि ज़रूरी नहीं कि हर इनोवेशन को मार्केट एक्सेप्ट करे, इसलिए मार्केट एनालिसिस पे जी का बहुत ज़्यादा फोकस था। एम्बलेट जो था उसका फोकस क्या था कि प्रॉपर मार्केटिंग एनालिसिस किया जाए, कि मार्केट आया एक प्रोडक्ट को, जब भी आप नया इनोवेटिव प्रोडक्ट या एक नया आईबी इंट्रोड्यूस करें या इमेजिनेशन ब्रेक थ्रू पे काम करें, तो उसकी मार्केटिंग का होमवर्क बड़ी अच्छी तरह करें, देखें कि मार्केट उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी एक आईबी को या नहीं, उसकी फाइनेंशियली वायबल है वो आईबी इंट्रोड्यूस करना या नहीं। तो जहाँ ये उसमें ज़रूर रिस्क था कि इस सारी स्टडी के बावजूद ज़रूरी नहीं था कि उसको मार्केट उसी तरह एक्सेप्ट करती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सिलसिले में क्या हो सकता है, इस सिलसिले में अगेन डिपेंड करता है क्या जी को ऑल टुगेदर ये हाइब्रिड इंजन का प्रोजेक्ट जो है उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, क्या उस पर काम जारी रखना चाहिए, या इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक कि नई बैटरीज अवेलेबल नहीं इस प्रोजेक्ट को ऑन होल्ड रख दिया जाए। तो मेरे ख्याल में जब तक कि नई बैटरीज एफिशिएंट बैटरीज डिज़ाइन नहीं की जा सकती इस प्रोजेक्ट को ऑन होल्ड रख देना चाहिए, क्योंकि ऐसा सच हमने देखा कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। और फ्यूचर में ना सिर्फ गवर्नमेंट्स की डिमांड है, जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है जब और ग्रीन इफेक्ट की या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स की डिमांड क्रिएट हो रही है। देखिए ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर ओजोन लेयर टू। ठीक है, और एक बहुत बड़ी डिमांड है कस्टमर्स की तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से कि जी के ग्रीन फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, इसलिए इस पर काम ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ता वक्ते के ऐसी बैटरीज अवेलेबल हों जो कि एफिशिएंटली एनर्जी को स्टोर कर सकें और हाइब्रिड इंजन्स या लोकोमोटिव रन किए जा सकें, तब तक इसको ऑन होल्ड प्लेस किया जा सकता है। और जैसे ही ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो तो जीई अप रेडी हो कि वो अपना नया प्रोडक्ट हाइब्रिड इंजन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सके। अजीज़ तलबा, मेरे ख्याल में इस एग्जांपल की मदद से आपने बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल और रिवाइटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। अब हम लेक्चर 14 में मज़ीद हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, इस चीज़ को नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे और हम देखेंगे। और नया टॉपिक हमारा क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह हेल्प करती है। तो इंशाल्लाह लेक्चर 14 में मुलाकात होती है और लेक्चर 14 में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन चेंज को कैसे मुतासर करती है। तो अज़ीज़ तलबा, देखिए इस लेक्चर का मकसद क्या था या इस केस स्टडी का मकसद क्या था, कि केस स्टडी आपको ये समझने में, ये परखने में बेहतर तौर पर आपकी मदद कर रही है कि आप ये समझिए कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ग्रो करती।
और जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने लाइफ साइकिल में मेजोरिटी की तरफ पहुंच जाती हैं तो उनको रिवाइटलाइजेशन की ज़रूरत पेश आती। और ये चीज़ समझने के लिए हमने दुनिया की एक बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की एग्जाम्पल ली। हमने कहा जनरल इलेक्ट्रिक आज उसको ऑपरेट करते हुए दुनिया में 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, जहाँ 120 ईयर्स से वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है, मोर देन 120 ईयर्स से वो दुनिया में ऑपरेट कर रही है। बहुत बड़ी कंपनी है और बेसिकली कंपनी साइंटिफिक इनोवेशंस पे बेस करती है, जो इंजीनियरिंग रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है उसका एक इंतहाई कामयाब जो मैनेजर था जैक वेल्श, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था और एज सच भी वो दुनिया का एक टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव समझा जाता है, उसने जनरल इलेक्ट्रिक को 20 साल तक बड़ी कामयाबी से चलाया। ना सिर्फ बड़ी कामयाबी से चलाया बल्कि पूरे अपने टेन्योर में 20% इंक्रीज इन रेवेन्यू करता रहा हर साल, ठीक है। ना सिर्फ 20% इंक्रीज करता रहा बल्कि ओवर द 20 ईयर्स उसने $380 बिलियन जो हैं वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इंक्रीज लेके आया, ठीक है। जब उसने शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो थी वो $380 बिलियन के साथ इंक्रीज की, ठीक है। अब देखिए ये एक बड़ी ही कामयाब स्ट्रेटजी है, जहाँ ऐसी कामयाबी किसी किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को हासिल होती है। इसके बरक्स जब एमलेट जो 2001 में जब उसने चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला तो उसको नंबर ऑफ चैलेंजेस फेस करने पड़े। पहला चैलेंज क्या था? पहला चैलेंज यह था कि उसको अपने प्रेडिसेसर की परफॉर्मेंस मेंटेन करनी थी, लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि मिलेनियम चेंज हो चुका था और ये फर्दर पॉसिबल नहीं था कि पुरानी स्ट्रैटेजी या एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू जीई को नए मिलेनियम में चलाया जा सके। इसीलिए एमलेट ने कंपनी को रिवाइटलाइज करने का फैसला किया और उसकी रिवाइटलाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या थी? उसकी रिवाइटलाइजेशन की स्ट्रैटेजी ये थी कि उसने कहा कि कंपनी को हम ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। ऑर्गेनिकली ग्रो करने से क्या मुराद है? कि हम खुद से नई इनोवेशंस मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, पर्टिकुलरली जेट एंड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में जो है, लोकोमोटिव्स में, ठीक है, और जो है बायोटेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में। उसने कहा कि देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हम खुद से नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए उसने ये स्ट्रैटेजी तो अपनी अनाउंस की, लेकिन इसके साथ साथ इससे रिलेटेड सर्टन अदर चेंजेस भी करना ज़रूरी था। और वो चेंजेस करना क्या ज़रूरी था? वो चेंजेस करना ये ज़रूरी था कि उसी लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की ज़रूरत थी, ठीक है। जो उसी लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। अब वो चेंजेस कैसे की जा सकती थी ये समझिए। देखिए उसने कहा था, उसका फोकस क्या था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेटिव गोल्स लेके आ जाए, जिसको वो कहता है इमेजिनेशन ब्रेक थ्रूज। अब ये इस पर काम कैसे हो सकता है? जब आपकी R&D टीम स्ट्रांग हो, तो उसके लिए उसने फर्दर मजीद इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स रिक्रूट किए। अब उसका ये भी फोकस था कि मार्केटिंग से उसकी रिलेशनशिप होनी चाहिए, कि स्ट्रांग मार्केटिंग एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल एनालिसिस करें और एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें। इस मकसद को अचीव करने के लिए जो वेल्श ने बहुत अरसे पहले जो टॉप मार्केटिंग पोस्ट इनको एलिमिनेट कर दिया था, उसने वो मार्केटिंग की पोस्ट बहाल की। ना सिर्फ बहाल की बल्कि फ्रेश मार्केटिंग टैलेंट इंडक्ट किया, ठीक है। अब देखिए इसकी मदद से आप देखते हैं, हमने इसके स्टडी में देखा कि जीई ने, और हमने पर्टिकुलरली जी ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल ली, तो हमने देखा कि जी ने ना सिर्फ 2005 में EPA की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए एक इंतहाई सक्सेसफुल नया ईवो इंजन इंट्रोड्यूस किया अमेरिकन मार्केट्स में, बल्कि इसके साथ साथ कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया की मार्केट्स में नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जहाँ ईवो को सक्सेसफुली लॉन्च किया, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड उसकी स्ट्रैटेजी अब क्या है कि अमेरिका में तो जो अमेरिकन मार्केट तो ऑलरेडी वो डोमिनेंट प्लेयर है अमेरिकन मार्केट में, अब फर्दर पॉसिबिलिटी ग्रोथ की क्या है कि इंटरनेशनली बिजनेस को इंक्रीज किया जाए। और इसमें एक मेजर रोल क्या था? मेजर रोल जो था वो चाइना इफेक्ट था।
चाइना इफेक्ट किस तरह अपना रोल अदा कर रहा था, चाइना इफेक्ट अपना रोल इस तरह अदा कर रहा था क्योंकि दुनिया भर में अब ट्रेड जो है वो चाइना के साथ मुख्तलिफ ममालिक की इंक्रीज की तरफ जा रही है। चाइना जो है दैट हैज़ बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, तो हर मुल्क जो है उसको वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई हर किस्म की किसी ना किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो रेलवे इज़ वन ऑफ़ द मैकेनिज़म्स। तो वो बहरी जहाज़ जो कि चाइना से चलते हैं अमेरिकन की वेस्ट पोर्ट की वेस्ट कोस्ट की जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर लंगर अंदाज होते हैं, उनसे सामान उतार के बाकी अमरीका में किस तरह तस्सील किया जा सकता था, रेलवे इज़ वन ऑफ़ द वेज़ टू डू इट, एन एफिशेंट वे था, कॉस्ट इफेक्टिव वे था। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए कजाकिस्तान में, क्योंकि कजाकिस्तान की ट्रेड भी चाइना के साथ, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की ट्रेड भी चाइना के साथ इंक्रीज़ हो रही थी, तो वहाँ से चाइना से सामान जो है वो रेलवे के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। चाइना बताते ख़ुद बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो वहाँ पर भी रेल ट्रांसपोर्ट की जो थी उसमें तरक्की की बड़ी हद तक गंजाइश थी। इस तरह इंडिया भी तरक्की कर रहा है, तो इंडिया में भी रेल की ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस को एक्सपेंड करने की बड़ी हद तक गुंजाइश है। ठीक है, इसलिए जो उसने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज की, उसने इंडिया चाइना और सेंट्रल एशियन रशियन स्टेट्स के लिए अलहदा अपनी टीम्स क्रिएट की और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मज़ीद उसने क्या काम किया कि हाइब्रिड इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस, उन्होंने कहा जी कि एक नई इनोवेशन क्या हो सकती है कि हाइब्रिड इंजन इंट्रोड्यूस करें, लेकिन क्योंकि अभी ऐसी पावरफुल बैटरीज अवेलेबल नहीं थी जो कि एफिशिएंटली एनर्जी को कैप्चर कर सकें, इसलिए फॉर द मोमेंट उनके पास तीन ऑप्शंस थे। और वो ऑप्शंस क्या थे कि या तो वो इस एनर्जी पे या इस नए हाइब्रिड इंजन पे काम जारी रखें, लेकिन रिस्क क्या था कि दैट वुड स्वैप और दैट वुड टेक लॉट ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी ऑप्शन क्या थी कि जब तक एफिशिएंट बैटरीज डिज़ाइन नहीं हो जाती इस प्रोजेक्ट को ऑन होल्ड रखा जाए, और तीसरी ऑप्शन क्या थी कि ऑल टुगेदर इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि एम्बलेट जो था उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुका था। ठीक है, वो कहता है जी कि इस वक्त तक कोई 85 डिफरेंट आईबीज जो थे वो प्रोसेस हो चुके थे, 35 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे, और ये 35 आईबीज जो थे ये मोर देन $2 बिलियन पर ईयर रेवेन्यू में इजाफा कर रहे थे। तो एम्बलेट वॉज वेरी हैप्पी, उसने कहा जी उसकी स्ट्रैटेजी क्योंकि कामयाब हो गई थी, और वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी, टू रिवाइटलाइज द कंपनी बाय ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए हमने आज हमने ये देखा है कि जी के इस स्ट्रैटेजी की मदद से या रिवाइटलाइजेशन की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे पहुंच चुकी होती है, जब मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी थी, उसको रिवाइटलाइज कैसे किया गया, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व थे, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंट एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस कंपनीज को फेस करने पड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 14 में, वी विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कैसे कर रहे हैं। तो लेट्स सी यू इन लेक्चर 14, लेट्स मीट इन लेक्चर 14।